हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। माय सेल्फ कनुप्रिया, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर वीडियो एग्रोफॉरेस्ट्री में लिया है। आज हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को एग्रोफॉरेस्ट्री से क्वेश्चंस जितने भी अगर एग्ज़ाम में आए तो वो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे या आपको ईजिली वो बन जाए। हो सकता है कि आज मैं जितने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर की हूँ वो रिपीट करें मेरी पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस से। रिपीट करने से यहाँ पे 2 फ़ायदे हैं कि आपको एग्रोफॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस पता चलेंगे, साथ ही आपको क्वेश्चंस रिकॉल होंगे तो वो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो हम जितने भी आज यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे एग्रोफॉरेस्ट्री से, वो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करिएगा तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि जिनको हमारी वीडियोज़ की ज़रूरत है उन तक हमारी वीडियो पहुँच जाए। साथ ही अगर आप ICAR, JRF, NET, SRF फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारे कोर्स खरीद सकते हैं। हमारे कोर्स की प्राइस है 1500 रुपये, जिसमें हम आपको आपके सिलेबस की पूरी कवरेज देंगे, साथ ही नोट्स, PDF, लेक्चर वीडियोस वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। 1 रिवीजन ईबुक फॉरेस्ट्री की वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ ही आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, इसमें से 5 से 6 मॉक टेस्ट वो ICAR JRF के होंगे। नोट्स प्लस मॉक टेस्ट की प्राइस है यहाँ पे 2000 रुपीज़, जिसमें आपको अदर फॉरेस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन आपको साथ में हो जाएगी। ठीक, तो कोर्स खरीदने के लिए यहाँ मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, बाकी की डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्री कंबाइंड विथ क्रॉप एंड और एनिमल ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज, सो ऑफकोर्स इट इज़ एग्रोफॉरेस्ट्री। दिस इज़ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। ये एक सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है जिसमें हम ट्रीज़ के साथ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स या एनिमल को रेयर करते हैं एक सेम यूनिट लैंड पे। ठीक है, दिस इज़ एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एंड अराउंड द फार्म लैंड इज़ कॉल्ड। सो फार्म लैंड के अराउंड में या फिर फार्म लैंड में हम प्लांटेशन करते हैं, ट्रीज प्लांटेशन या वेजिटेशन प्लांटेशन। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, जो फार्म लैंड के अराउंड या अंदर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरियाज डिवोटेड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया इज। फॉरेस्ट एरिया, कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के हम आउटसाइड में, किसी फॉरेस्ट एरिया के बाहर में हम जब ट्री प्लांटेशन करते हैं या वेजिटेशन लगाते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस को हम कहते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जब हम फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड में लगाते हैं तो उस प्लांटेशन प्रैक्टिस को हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांटेशन ग्रो एज लीनियर स्ट्रिप्स ऑफ लैंड ऑन द साइड ऑफ पब्लिक रोड, कैनाल एंड रेलवे लाइन आर कॉल्ड एज। पब्लिक रोड या कैनाल, रेलवे लाइंस के साइड में एक लीनियर स्ट्रिप में प्लांटेशन किया जाता है ट्रीज़ का। इस प्लांटेशन टेक्निक या प्लांटेशन प्रैक्टिस को हम कहते हैं लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। आप लोगों ने रोड, पब्लिक रोड्स में देखा होगा कि एक लीनियर स्ट्रिप्स में प्लांटेशन किया जाता है, उसे कहते हैं हम लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। नेक्स्ट, होम गार्डन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन। होम गार्डन के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तभी मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चंस के बारे में या फिर होम गार्डन के बारे में ये स्पेसिफिक किया था, ये हाईलाइट किया था कि इसे कैसे जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है वो याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। होम गार्डन को प्रैक्टिस किया जाता है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एले क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज हेज रो इंटरक्रॉपिंग। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट रिड्यूस. सो मल्टी स्टोरी होता क्या है, जब हम डिफरेंट हाइट के ट्रीज लगाते हैं, ग्रो करते हैं डिफरेंट हाइट के ट्रीज, तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टोरी. सो इस अरेंजमेंट का फ़ायदा या फ़ायदा क्या होता है, इट रिड्यूस कॉम्पिटिशन. अगर हम सेम तरह के ट्रीज लगाएंगे, सेम रूट पैटर्न के या फिर सेम ब्रांचिंग पैटर्न के अगर ट्रीज लगाते हैं, सो उनमें कॉम्पिटिशन होता है और हमारी जो हमारी वेजिटेशन है वो अच्छी नहीं होती है. सो हम यहाँ पे मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट करते हैं, दैट रिड्यूस कॉम्पिटिशन. ठीक है, नेक्स्ट द ओल्डेस्ट नोन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज. सो ओल्डेस्ट नोन एग्रोफॉरेस्ट्री, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नेक्स्ट, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली अडॉप्टेड. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, एग्रोफॉरेस्ट्री को बेसिकली फोर बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, दैट इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल. सो इंडिया में, स्पेशली इंडिया में किस क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को. इसे फर्दर टू ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज नेचर ऑफ कंपोनेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, नेक्स्ट, इन विच एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम एग्रीकल्चर क्रॉप इज ऑफ सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस. सो एग्रोफॉरेस्ट्री, ऐसा एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप उसको सेकेंडरी रखा जाता है, सो उस सिस्टम को कहते हैं सिल्वीकल्चर, सिल्वी एग्रीकल्चर. सो यहाँ पे आप इसके टर्म से भी आप पता कर सकते हैं, सिल्वी दैट इज़ वो पहले आया है, दैट इज़ ट्री को ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, एग्रीकल्चर को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी जाती है, दैट इज सिल्वीकल्चर, सिल्वी एग्रीकल्चर. ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट प्रिवेलेंट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन हाई रेनफॉल एरिया ऑफ केरला इज. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि किस एरिया में किस तरह की प्लांटेशन की जाती है. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा होम गार्डन. होम गार्डन, केरला में होम गार्डन काफ़ी प्रिफर किया जाता है. नेक्स्ट, विच अमंग दिस स्पीसीज आर बेस्ट सुटेड फॉर एलेक क्रॉपिंग. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एलेक क्रॉपिंग में नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री स्पीसीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्रिफर किया जाता है. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केसिया सीमिया, दैट इज़ ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, केसिया सीमिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे केसिया सीमिया को ज़्यादा प्रेफरेंस या फिर इसे कह सकते हैं कि बेस्ट सूटेड है फॉर एलेक्रोपिंग. ओके, नेक्स्ट, विच अमंग दिस फैक्टर हैव डिग्रेडेड द इंडियन ग्रासलैंड द मोस्ट. इंडियन ग्रासलैंड का डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग. ठीक है, नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ एरेबल क्रॉप विथ टू और मोर ईयर ऑफ सोन पॉस्चर इज कॉल्ड एज. सो प्लांटिंग सिस्टम, ऐसा प्लांटिंग सिस्टम जिसमें एरेबल क्रॉप्स और पास्चर्स को रोटेशन में हम यहाँ पे प्लांट करते हैं, सो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ले फार्मिंग. ले फार्मिंग में हम क्रॉप्स प्लस ग्रास लेते हैं, जिसे हम अल्टरनेटली रोटेशन में इसे यूज़ करते हैं एक लैंड पे. ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ले फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्री प्लांटेड इन सिल्वी एग्रीकल्चर शुड बी ओरिएंटेड इन द. सो सिल्वी एग्रीकल्चर सिस्टम में हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ये आपको याद रखने ही रखने हैं. सिल्वी कल्चर सिस्टम में हम ट्री प्लांटेशन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और एग्रीकल्चर क्रॉप हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, ये आपको याद रखने, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इसलिए उसे प्लांट किया जाता है ताकि उनको प्रॉपर सनलाइट यहाँ पे मिले. ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम प्रैक्टिस इन एरिड रीजन. सो एरिड रीजन में किस तरह की एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम को यूज़ किया जाता है, एरिड रीजन दैट इज राजस्थान गुजरात के एरिया में इसे एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, द मेजर स्पीसीज यूज फॉर प्लांट ऑन टैंक बेड. टैंक बेड में किस स्पीसीज को यूज किया जाता है, दैट इज अकेशिया निलोटिका. ठीक है,
नेक्स्ट, विच स्पीसीज ऑफ ट्री इज़ बेटर फॉर नॉइज अबेंडमेंट? सो किस तरह के ट्रीज़ को नॉइज़ कम करने के लिए या फिर नॉइज़ अबेंडमेंट की तरह यूज़ किया जाता है या अच्छा माना जाता है? दैट इज़ एवरग्रीन ट्रीज़। एवरग्रीन ट्रीज़ को बेटर फॉर नॉइज़ अबेंडमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, द हेलियोट्रॉपिक टाइप ऑफ ब्रांचिंग शुड बी प्रिफर्ड फॉर। हेलियोट्रॉपिक टाइप ऑफ ब्रांचिंग किसे कहते हैं? जहाँ इस तरह की ब्रांचिंग जहाँ प्रॉपर सनलाइट पेनिट्रेट हो, इस तरह की ब्रांचिंग होती है, उसे हम हेलियोट्रॉपिक ब्रांचिंग कहते हैं। सो इसे प्रेफर किया जाता है रोड साइड प्लांटिंग में। सो रोड साइड प्लांटिंग में सनलाइट, उसे हम ऐसे स्पीसीज को लगाते हैं जहाँ जिसे सनलाइट की अच्छी या बहुत ज़रूरत होती है सनलाइट की, जो लाइट डिमांडर होते हैं, उसे हम रोड साइड प्लांटिंग में प्लांट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वन प्लांट अपॉन अनदर थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इनहिबिटर इज कॉल्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा एलिलोपैथी। एलिलोपैथी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एलिलोपैथी ऐसा एलोपैथी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म केमिकल रिलीज़ करता है जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, सीड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। सो ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इफेक्ट ऑफ वन प्लांट अपॉन अनदर थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इनहिबिटर इज कॉल्ड एलिलोपैथी। नेक्स्ट, एलिलोपैथी डिनोट्स। सो एलिलोपैथी डिनोट्स पॉजिटिव इंटरैक्शन एंड नेगेटिव इंटरैक्शन बोथ। इसमें पॉजिटिव इंटरैक्शन भी होते हैं, नेगेटिव इंटरैक्शन भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एलिलोकेमिकल आर रिलीज बाय मीन्स ऑफ। सो एलिलोकेमिकल आर रिलीज बाय वोलेटाइजेशन, लीचिंग, एस्केडेशन, ऑल। ठीक है। सो इन तीनों प्रोसेस से एलिलोकेमिकल रिलीज करता है। नेक्स्ट, प्रोसोपिस सिनेरेरिया एंड सेंचुअस सिलेरेसियस इज अ गुड फॉडर ट्री प्लस ग्रास कॉम्बिनेशन फॉर। सो इसे कंबाइन किया जाता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया एंड सेंचुअस सिलेरिस इसे कंबाइन किया जाता है एरिड क्लाइमेट विथ सैंडी सॉइल में। ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन, द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोसोपिस सिनेरेरिया एंड सेंचुअस सिलेरेसिस इज एरिड क्लाइमेट विथ सैंडी सॉइल। नेक्स्ट, द ब्रॉड एंड वेल नोन क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम वॉज गिवन बाय। सो एग्रोफॉरेस्ट्री की क्लासिफिकेशन वो दी गई है नियर द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ जोन पैटर्न इज। सो जोन पैटर्न का कॉमन एग्जाम्पल है हेजरो इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट, द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ ऑल एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स आर। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूट एग्रोफॉरेस्ट्री का क्या है? प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। हालांकि एग्रोफॉरेस्ट्री में ये चारों चीज़ें होती है, दैट इज रिकवर डिप्लेटेड सॉइल न्यूट्रिशन, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, स्टेबलाइज द सॉइल स्ट्रक्चर। ये चारों चीज़ें एग्रोफॉरेस्ट्री में होती है, पर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स इज प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, तोंगिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो तोंगिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर ब्रांडिस। इसे तोंगिया इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1890। एंड फर्स्ट तोंगिया प्लांटेशन किया गया है 1896 में, दैट इज़ नॉर्थ बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग रो ऑफ क्लोजली प्लांटेड वुड प्लांट विद एनुअल क्रॉप प्लांटेड इन एले इन बिटवीन हेज इज कॉल्ड एज। सो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक रो में क्लोजली वुडी प्लांट को लगाया जाता है, साथ ही उसके एले में एनुअल क्रॉप्स लगाए जाते हैं। सो इस तरह के प्लांटिंग प्रैक्टिस को कहा जाता है हेजरो इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट शूज पोजेस आर टिपिकल। सो शेल्टर बेल्ट की शेप किस तरह की होती है? ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट, स्ट्रिप्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू प्रोटेक्ट फील्ड होम कैनाल्स फ्रॉम विंड इज रिफर्ड एज। सो आंसर इज विंड ब्रेक। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। नेक्स्ट, इरोजन परमिटिंग एंड इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप grows alternatively at right angle to the slope of the land is called as। so erosion permitting and erosion resisting crop, उसे alternately right angle में
स्लोप में लगाया जाता है। इस तरह की प्लांटेशन पैटर्न को क्या कहा जाता है? स्ट्रिप प्लांटेशन, स्ट्रिप प्लांटिंग, ठीक है। इरोजन परमिटिंग एंड इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप, जिसे हम राइट एंगल में अल्टरनेटिवली लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लैंड विच आर रिच इन सॉइल सोल्यूबल सॉल्ट एंड एक्सचेंजेबल सोडियम, ठीक है। ऐसा लैंड जिसमें सॉल्ट्स की मात्रा अधिक है एंड एक्सचेंजेबल सोडियम वो भी अधिक है, सो ऐसे लैंड को कहते हैं सलाइन सॉइल। नेक्स्ट द सुटेबल स्पीसीज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड सोडिक सॉइल, सो सलाइन एंड सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए किस स्पीसीज को यूज किया जाता है? दैट इज प्रोसोपिस जुलीफोरा, जंगली कीकर, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सैंडी सॉइल इज, सो सैंडी सॉइल के लिए यूज किया, यहाँ आपको सलाइन सॉइल एंड सोडिक सॉइल एंड सैंडी सॉइल में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सलाइन सॉइल एंड सोडिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है प्रोसोपिस जुलीफोरा एंड सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है कैसुरिना एक्विस्टिफोलिया। नेक्स्ट ट्री मीन्स वाटर, वाटर इज ब्रेड एंड ब्रेड इज लाइफ वॉज फर्स्ट कोटेड बाय, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ये ट्री मीन्स वाटर, वाटर इज ब्रेड एंड ब्रेड इज लाइफ, ये कोटेशन ये किसके द्वारा दिया गया है? वेस्ट बॉय, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ हाइट एंड विथ रफली इन शेल्टर बेल्ट, सो शेल्टर बेल्ट में जो हाइट और विथ की रेशियो रखी जाती है वो कितनी की रखी जाती है? 1:10 की रेशियो। नेक्स्ट द होम गार्डन इज कैरेक्टराइज बाय, सो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। होम गार्डन की उसकी कैरेक्टराइज किस तरह से होती है? 3-4 वर्टिकल स्ट्रेटा, उसे 3-4 वर्टिकल स्ट्रेटा में प्लांट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अ वेल डिजाइंड विंड ब्रेक कैन ओवर प्रोटेक्शन अप टू डैश टाइम्स ऑफ इट्स हाइट टुवर्ड्स लीवार्ड साइड, सो किसी भी विंड ब्रेक वो अपना लीवार्ड साइड में 25 अपने हाइट का 25 टाइम्स एरिया प्रोटेक्ट करता है और अपने विंडवार्ड साइड में अपने हाइट तक की एरिया प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अपने लीवार्ड साइड में वो अपने हाइट के 25 टाइम्स वो प्रोटेक्ट करता है और अपने विंडवार्ड साइड में वो अपने हाइट की तक की एरिया प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट नियर क्लासिफाइड द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इनटू दिस ग्रुप दैट इज 4 दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल। अगर इसके बारे में आप लोगों को अगर ज़्यादा पता करना है तो आप मेरी पिछले वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तोंगिया सिस्टम वॉज ओरिजिनेटेड इन, सो तोंगिया सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन बर्मा, जिसे अब म्यांमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट दैट इज इक्राफ, इक्राफ कहाँ पे है? दैट इज नैरोबी केन्या। नेक्स्ट इन साउदर्न इंडिया तोंगिया सिस्टम इज कॉल्ड एज, सो साउदर्न इंडिया में तोंगिया सिस्टम को कुमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ फेंस, सो लाइफ फेंस क्या है? जब हम किसी भी प्लांट को फेंस के रूप में यूज करते हैं तो उसे लाइफ फेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूफोर्बिया। यूफोर्बिया एक कांटेदार हर्ब है जिसे फेंसिंग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज ट्री स्पीसीज फॉर शेड इन टी स्टेट इज, सो ऐसा ट्री स्पीसीज जिसे टी क्रॉप के साथ कंबाइन किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रेविलिया रोबस्टा, दैट इज सिल्की ओक, ठीक है। इसे कंबाइन किया जाता है टी के साथ क्योंकि ग्रेविलिया रोबस्टा अच्छी शेड देता है और टी एक शेड टॉलरेंट स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट, सो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट पोर्टो रिको, ठीक है। ये है कहाँ पे? ये एक कैरेबियन आइलैंड है जो यूनियन कॉरपोरेटेड टेरिटरी ऑफ यूएस इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन,
तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, होम गार्डन इज द एग्जाम्पल ऑफ। सो होम गार्डन किसके अंडर आता है? इंटरप्रोटेड। इंटरप्रोटेड क्या है? व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑक्यूपाई स्पेस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम, उसे हम कहते हैं इंटरप्रोटेड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन बैंक इज सब सिस्टम ऑफ। सो प्रोटीन बैंक इज सब सिस्टम ऑफ सिल्वो पास्टोरल का ये सब सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन लील लैक इज द कॉमन नेम ऑफ। सो इंडियन लील लैक जिसे जिसका साइंटिफिक नेम है मीलिया आजादी रखता। ठीक है, नेक्स्ट, इन पॉपुलस डेल्टोइड्स बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम द सुटेबल इंटरक्रॉप। सो पॉपुलस डेल्टोइड को किसके साथ कंबाइन किया जाता है? दैट इज वीट। वीट के साथ इसे एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में कंबाइन किया जाता है। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आई होप कि आपकी जितने भी एग्रोफॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे कवर हो जाने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कुछ कंप्लेन करना हो या फिर आपको अपने व्यूज़ देने हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।